गुड मॉर्निंग। और आज हम लोगों का डे 3 है गोवा में, और अभी हम लोग थे अपने रामा रिसोर्ट में। तो वो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह सब साइलेंस है एकदम यहाँ पे। और जैसे जैसे दिन राइज होगा तो वैसे वैसे पब्लिक की आवाज़ भी बढ़ती रहेगी यहाँ पे। तो मॉर्निंग का टाइम है और बिल्कुल एकदम साइलेंट है। तो आज का ट्रिप स्टार्ट करेंगे अपना आफ्टर ब्रेकफास्ट। बीच के नज़दीक होटल होने से ये फ़ायदा है कि आप कभी भी बीच पे आ सकते हो। तो हम लोगों का जो होटल है बिल्कुल नज़दीक है अरम्बोल बीच के। अभी टाइम है ब्रेकफास्ट करने का बीच पे ही, तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट जर्नी की साइड में। तो अभी हम लोग थे बीच पे ही और सुबह सुबह मूड फ्रेश हो गया यहाँ पे आके, एकदम रिफ्रेशिंग एयर है। तो चलते हैं। अरम्बोल जो बीच है गोवा का, इस पर हम लोगों का स्टे 2 दिन का था। और अब हम लोगों की प्लानिंग है कि जो वर्ल्ड फेमस इंडियन बीच है कैलंगुट एंड बागा, उस पर चलने की। तो अभी हम लोग यहाँ से पैक करेंगे और फिर जाएंगे कैलंगुट बागा पे, क्योंकि कैलंगुट बागा के पास में बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्ट होटल है। तो हम लोगों ने प्लानिंग करी कि वहीं पर जाके स्टे करेंगे 2 दिन के लिए, और 2 दिन के लिए थे हम इधर ही अरम्बोल बीच पर। तो ये भी नॉर्थ गोवा में आता है और कैलंगुट बागा भी नॉर्थ गोवा में आता है। तो अभी हम लोग जाएँगे कैलंगुट की साइड अपने होटल की बैक साइड एंट्री। तो यहाँ पे इनका एक कैफेटेरिया है, अपना कैफेटेरिया था यहाँ पे, और ये पीछे से एंट्री अपने होटल की। चले गया 100 रुपीज़ की पार्किंग देने के बाद में हम लोग पहुँच गए चपोरा फोर्ट पे। तो अभी देखते ऊपर चल के चपोरा फोर्ट। अच्छे जोन शॉपिंग के यहाँ पे खूब सारे ऑप्शन अवेलेबल है, कैब्स, लोकल मार्केट्स, दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे मिलती है। मेहंदी का नहीं, टैटू का रहता है। टैटू जो बाजू पे बनाते हैं। पहले मेहंदी भी लगती थी। इससे मेहंदी आती थी। है ना? भी टैटू। कीप मूविंग। यहाँ से फोर्ट की एंट्री होती है और लोकल शॉप दोनों साइड में है यहाँ पे। लेडीज के बहुत सारे ऑप्शन है वियर करने के लिए। वहाँ जो क्या है ये स्टाइल वाला, ओके वेरी गुड। तो अपने सामने फोर्ड है, यहीं से एंट्री होती है और फिर ऊपर जाना है, चल के इस पर ऊपर जाना है। चलो चलो चलो, कीप मूविंग कीप मूविंग। 10 to 15 minutes स्टेयर्स वॉक। ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है क्योंकि दोपहर में एक तो गर्मी भी होती है और एक चलना, तो बेटर है कि इवनिंग के टाइम में प्लान किया जाए, इसे इजली और कन्वीनियंस रहेगा उसमें। पीक सीजन है, कुछ भी परचेज करो, प्राइस लिटिल हाई। पीक आर पीक सीजन आर्ट्स पीक सीजन डेज। और भी बड़ा क्लियर आता है यहाँ से नीचे का पार्किंग का। तो कुछ एंट्री होती है फोर्ट की। हैंडीक्राफ्ट आर्ट है पूरी। ये कुछ फोर्ट की हिस्ट्री है, अंदर रिफ्रेशमेंट के भी अरेंजमेंट है यहाँ पे। एक भाई है ये बेचते हैं, क्या है एक बार बताओ ये। वेयर योर हेड, आई कैन सी योर गूगल, सॉरी दैट सनग्लास। माजो शेक योर हैंड कम, अ गुड हैंड शेक बेटा, ये वाले हैंड, राइट हैंड, यूज राइट, गुड बॉय गुड बॉय, गेट रेडी फॉर द कैमरा, कम क्लोजर हियर। या श्योर श्योर। अभी हम लोग हैं चपोरा फोर्ट में और चलते हैं इसके दूसरी साइड में, देखते हैं किनारे पे चल के कैसा व्यू आता है वहाँ से, क्योंकि वहाँ से दिख रहा है कि जो अंजुना और जो बागा बीच है बहुत ही क्लोज व्यू आएगा वहाँ से। अभी हम लोग पहुँचे चपोरा फोर्ट के एक छोर पे, एक एज पे। तो यहाँ पे पीछे का जो व्यू है समुंदर का बिल्कुल क्लियर आता है। और ये भी कोई बीच है इधर, इधर बागा बीच, अंजुना बीच, वही तो लोग देखिए इधर से जा रहे हैं। हाँ हाँ, इधर से भी जाते हैं। हाँ, तो चारों तरफ का जो व्यू है। और यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं इस पर, इसकी दीवार पे,
तो जो किला है वो तो गिर चुका है, काफ़ी पुराना किला है ये, और अब जो है यहाँ पे बचा हुआ है इसका खाली स्ट्रक्चर बचा है। इसकी जो टूटी हुई दीवारें हैं वो है यहाँ पे, और इसके पास में ही यहाँ पे दो तीन जो फेमस यहाँ के गोवा के बीचेस है जैसे कैलंगूट, बागा, अंजुना, तो वही ऐसे लगे हुए इसके पास में, और यही है चपोरा फोर्ट। तो एक अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पर ये भी, बट दी चैलेंज एक ही लगता है मुझे यहाँ पे कि दोपहर में आने में गर्मी बहुत लगती है, तो जब भी प्लान आउट करें इवनिंग में प्लान करो तब ठीक रहेगा, ये दोपहर में तो बहुत गर्मी लगती है यहाँ पे। I've done my best and my worst, learned my lessons. No matter how hard my life would treat me, I'd always get right back up, never worry. दोपहर में तो भयंकर वाली गर्मी लगती है यहाँ पे, अपने चारों तरफ जो ग्रास है वो भी सूख चुकी है वो भी। तो निकलते फटाफट चपोरा फोर्ट से बाहर और चलते अपने नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर द डे। चपोरा फोर्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पे है वेगाटर बीच, और अभी हम लोग वहीं पे पहुंच गए, तो फ्री में पार्किंग लगा के रोड पे, और अब सामने अपने बीच है, वाटर स्पोर्ट है ना, बोटिंग। हाँ, अभी दो दिन से वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, नहीं कर रहे हैं किया है अभी, बोट रेड कर रहे हैं अभी नहीं करेगा। तो कैलंगूट के पास में पड़ता है, तकरीबन होगा उससे कुछ दूरी पे, बीच पे पार्टी का माहौल है पूरा अभी, और अच्छे खासे टूरिस्ट है न्यू ईयर की वजह से। माँ जी वो करना है, वो करना है क्या वो वहाँ पे, ये है वेगाटर बीच, वो बीच में जाना है अभी, और मैं भी चलता हूँ बीच में, मैंने भी अच्छा पहन रखा है तो कोई टेंशन नहीं जाने में, और यहाँ पे पूरा पार्टी का माहौल है बीच पे, वेगाटर बीच पे, ये भी एक अच्छा बीच है, और मैंने तो फर्स्ट टाइम विजिट किया है गोवा, इतनी बार आ चुका हूँ मैं, तो अभी देखते हैं अंदर चल के। और बोटिंग के तो खूब सारे ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, दुनिया भर के ऑप्शन है बोटिंग के यहाँ पे, और भी वाटर स्पोर्ट काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। कम कम कम, माँ जी फॉर्म में आ चुका है, और मैं भी चलो, काफ़ी सारे बोटिंग के ऑप्शन भी है मेरे साथ है, क्या नाम है, सुनील, सुनील भाई क्या क्या ऑप्शन है बोटिंग के, स्पीड बोटिंग है, उसमें आपको 8 सीट का बोट आएगा, सिर्फ आप 3 लोग ही रहेगा, ओके। हाँ हाँ, आपको तीनों तीन को आपको अंदर तक घुमाएगा, फोटो वीडियो बनाएगा। हाँ, और एक राउंड चक्कर लगा के आएगा। हाँ, और आपको मन हुआ और आगे जाने का, कितना चार्ज लगता है उसका, उसका 2000 है, 2000। और क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन आपको 8 सीट का बोट है, और एक जेस्की राइड है, वन पैरासिलिंग है, तो ये सब ऑप्शन है। पैरासेलिंग का कितना चार्जेस है, 1100 डीप, और दूसरा जो आपने बताया तीसरा जेस्की राइड उसका कितना है, उसका 800 भाई। ये था वेगाटर बीच गोवा में एंजॉय करने के लिए, और अभी हम लोग बढ़ेंगे अपनी दूसरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की साइड में, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है, तो प्लानिंग ये है कि थोड़ा होटल में जाए और रेस्ट करें, लंच वंच किया जाए अभी, फिर रास्ते में लंच के लिए, तो यहाँ पे करते हैं लंच और फिर चलते अपने होटल। रेस्टोरेंट तो काफ़ी बड़ा है अंदर से, एसी नॉन एसी दोनों ऑप्शन अवेलेबल है इनके पास में, तो गर्मी हो रही है अभी, हम लोग एसी में ही बैठेंगे, वहाँ बैठ सकते हैं क्या। खाना आ चुका आपने, खाते और निकलते अभी हम लोग हैं अगोडा फोर्ट के रास्ते पे, तो हम लोग पहले अगोडा फोर्ट जाएंगे और फिर बाद में आके अपने होटल जाएंगे। तो ये रास्ता है कैलंगूट जाता है, और कैलंगूट भी जो बीच है बहुत ही वर्ल्ड फेमस बीच है यहाँ पे, ये गोवा में, इसे तकरीबन पड़ता है 30 मिनट की दूरी पे,
तो यहाँ से एंट्री होती है कैलंगुट बीच की, और ये हमें यहाँ से वापस लेना है। इसे बोलते हैं टैटू लेन। एक्चुअली थोड़ा आगे चलेंगे तो उसमें काफ़ी सारी टैटूज़ की दुकानें, तो यही है कैलंगुट बीच जाने का रास्ता। तो एक बार चलते हैं अगोड़ा फोर्ट और फिर आके चलते हैं अपने होटल और फिर कैलंगुट बीच, कैलंगुट एंड बागा बीच। तो थोड़ा जाम है अभी रास्ते में, ट्रैफिक थोड़ा स्लो है क्योंकि न्यू ईयर है और न्यू ईयर पे यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ होती है, और थोड़ी जो चीज़ों के प्राइस है वो भी थोड़े हाई रहते हैं यहाँ पे न्यू ईयर पे। December, और कल है 31st, कल है न्यू ईयर। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ नया करने के नए साल पे, तो शाम में प्लानिंग करते हैं उसकी और फिर कल आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं व्हाट वी हैड और व्हाट वी आर गोइंग टू प्लान फॉर न्यू ईयर टू सेलिब्रेट दिस ईयर। क्या बात करनी है बताओ? किंग हाउस में जाना है। अभी हम जा रहे हैं अगोड़ा फोर्ट अगोड़ा फोर्ट और किंग हाउस, तो बता रहे हैं किंग हाउस में जा रहे हैं। अगोड़ा फोर्ट स्लो है यहाँ पे, जाम तो नहीं कह सकते स्लो है क्योंकि टूरिस्ट बहुत है और न्यू ईयर है उस वजह से टूरिस्ट बहुत है यहाँ पे। इसी रूट पे पड़ता है जब हम लोग कैलंगुट से जाते हैं अगोड़ा फोर्ट, कैंडोलिम के नाम से एक बीच, तो हम लोगों ने लास्ट ईयर भी यहाँ पे विजिट किया था और तब उसकी वीडियो बनाई थी, तो उसकी सारी जितने प्लेसेस थे हम लोगों ने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाई थी और अपने चैनल पे जो प्लेलिस्ट का नाम है वो है गोवा रोड ट्रिप फ्रॉम बैंगलोर, तो उसमें हमने सभी प्लेसेस डाले थे। तो मोर डिटेल्स के लिए वो भी रेफ़र की जा सकती है और प्लस कुछ डिटेल्स उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टिकट से रिलेटेड या फिर डिस्टेंस से रिलेटेड या फिर होटल से रिलेटेड। और अभी गोवा में मार्केट खूब सजी हुई है सब्जी सर, ये फिशिंग बोट है सर। और लगानी किधर है? राइट साइड में पार्किंग, लेफ्ट साइड में फोर्ट। 100 rupees हाँ। और टिकट कितने का है फिर? 25 rupees पर पर्सन। 25 rupees और एंट्री टाइमिंग क्या है? 6 बजे एंट्री बार। और सुबह मॉर्निंग 9 बजे। हम लोग पहुंच चुके हैं अगोड़ा फोर्ट, तो यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ है, हो सकता है नए साल की वजह से हो या फिर इतनी रहती हो, तो काफ़ी पॉपुलर प्लेस है टूरिस्ट का ही। और देखते हैं अंदर चल के टिकट लेके इसमें क्या है, इतनी भीड़ किस लिए हो रही है, ये टिकट काउंटर है इन लोगों का, कुछ डिटेल से टिकट की और लॉगिन की। यहाँ पे टिकट मिलता है और इधर से एंट्री, कुछ एंट्री होती है, देखते हैं अंदर चल के एक बार गए। और सामने मार्केट भी है पार्किंग की साइड में, फ्री ड्रिंक वाटर एंट्री पे है। माजी वॉक ले रहा है, वॉल वॉक अगोड़ा फोर्ट पे, ट्रेसिंग वॉक ऑफ इंडिया गोवा सर्किट, जो कि जूम करके देखी जा सकती है। एंट्री पे ही पॉइंट है, अब चलते ऊपर देखते हैं। तो ये कुछ ऐसी एंट्री होती है उसमें, एंट्री है ये तो
ये कुछ वॉल पेंटिंग लगी हुई है यहाँ पे किले की हिस्ट्री के बारे में। ये देखो लाइट टावर, अंदर से काफ़ी बड़ा है। और जो अच्छी बात है इस किले की वो ये है कि इसकी जो चारों तरफ की दीवारें हैं अभी ठीक ठाक है, वो गिरी नहीं है चपोरा फोर्ट की तरह, तो ये चीज़ अच्छी है। और साम पीछे अपने एक लाइट टावर भी है, इसमें टनल भी है इसमें। हाँ एक टनल में देखना है क्या? बंद है टनल, वो तो बंद है। चलते ऊपर, बीच में क्या है, साइड की दीवारें कुछ ऐसी है। तो यहाँ पे चलते हैं, वहाँ से एंट्री होती है अंदर। ये बीच में पता नहीं क्या है। तो ये किले की दीवार ही है जिस पे हम लोग अभी चल रहे हैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी है ये। अच्छी खासी भीड़ भाड़ है यहाँ पे। वहाँ से चल, हम लोग चल जा रहे हैं। और सामने बीच भी दिखता है यहाँ से। हाँ तो उसके पीछे पीछे बीच है, यहाँ से क्लियर व्यू आता है पूरे किले का। एक व्यू पॉइंट यहाँ पे भी है इसमें, किसी को देख के फोटो खिंचा रहे हैं। करने को देखते क्या है, क्या है उधर, उधर से देखते क्योंकि आप भी यहाँ पे फोटो लीजिए। यहाँ से पूरे किले का क्लियर व्यू आता है, और अपने पीछे कुछ काम भी चल रहा है यहाँ। तो ऐसे वहाँ से एंट्री होती है इस साइड में, और ये तो घूम के हम लोग यहाँ पे पहुँचे। और यहाँ पे ये व्यू पॉइंट है, अच्छा लग रहा है। और इधर कुछ काम भी चल रहा है नीचे, घास तोड़ने का भाई साहब, खतरों के खिलाड़ी। और यहाँ से पूरा क्लियर व्यू आता है सी का, काफ़ी सारे इसमें अंदर वो भी है, फील हो जाएगा। मैंने पकड़ रखा यू एंड एडिडास सेट, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कपड़े देखो कॉम्बिनेशन, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगोडा फोर्ट। और यहाँ से व्यू भी बड़े क्लियर आते हैं, ऑसम ब्यूटीफुल। तो अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस की साइड में फ्रॉम नाउ। चलो इसके चारों कोने पे, वहाँ पे भी, उधर भी और इधर भी, अपने पीछे भी स्टॉप पॉइंट बने हुए हैं। तो उस टाइम पे ये सिक्योरिटी या फिर मॉनिटरिंग के लिए काम आते होंगे, जो कि अभी टूरिस्ट के काम आ रहे हैं। ऐसे टूरिस्ट पॉइंट यूज़ करते हैं उन्हें खड़े होने के लिए और इकट्ठा होने के लिए। तो काफ़ी बड़ा एरिया है चारों कोने पर, तो उस टाइम पर तो सिक्योरिटी के लिए होगा ही, ताकि प्रॉपरली मॉनिटरिंग की जा सके किले की चारों तरफ से। और ये चारों साइड में है, बाहर का व्यू कुछ ऐसा आता है यहाँ से, जहाँ से हम लोगों ने एंट्री करी थी वहाँ से। वहाँ से कुछ एंट्री होती है। चलो लाइट आई, हम लोग चेकिंग करेंगे अपने कैलंगूट वाले होटल में, और उसका नाम कुछ ये है, रिवासा रिसोर्ट। ये कुछ इसका रूम है। हो चुके हैं वर्ल्ड फेमस बीच कैलंगूट एंड बागा, तो उसी की मार्केट में से पीछे चौक है उसका ही की पार्किंग, और प्लस यहाँ पे बाइक रेंट पे मिलती है। सेल चल रही है क्या? गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है यहाँ पे कैलंगूट पे रुकने के लिए, तो गवर्नमेंट यहाँ भी रुक सकते हैं। बीच की
हम लोगों की एंट्री हो चुकी है कलिंगुट बीच पे, दी वर्ल्ड फेमस एंड दी ब्यूटीफुल गोल्डन बीच ही बोलते हैं इसको। तो ये फर्स्ट टाइम भी, हम तो पहले भी यहाँ पे काफ़ी टाइम आ चुके हैं ना, पूरी पार्टी के मूड में है। तो यहाँ पे रुकने के लिए काफ़ी रेस्टोरेंट भी है कलिंगुट बीच पे, अच्छे खासे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। और यहाँ पे लिखा है ये टूरिस्ट मेन स्पॉट बनाने के लिए आई लव गोवा, काफ़ी लोग यहाँ पे फोटो भी ले रहे हैं। अभी चलते आगे देखते क्या है। अभी हम लोग कलिंगुट बीच पे घूम रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट के भी ऑप्शन है। अभी देखते हैं अगर कोई मिल गया तो ट्राई करते हैं वो भी। हाँ नंबर वाटर फन एक्टिविटी सनसेट है एट गोवा बीच। सुपर जो है कलिंगुट बीच, ऑसम ब्यूटीफुल, पब्लिक यहाँ पे खूब है और खूब इंजॉय करते हुए, और साथ में हम भी यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं इवनिंग का। अभी सनसेट होने वाला है और कैलकुलेट हो रहा है अभी। गुड वेरी गुड जॉर्ज, वेरी गुड, सनसेट हो रहा है अभी यहाँ पे। तो अभी सनसेट होने वाला है कलिंगुट बीच पे। अभी हम लोग पहुंच गए बागा बीच पे लगभग, और सनसेट हो चुका है अभी। माजू बागा बीच पहुंच गए, यहाँ पे फुल ऑफ पार्टी चल रही है। सब लोग पानी में चिल कर रहे हैं।